गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप दैट यू हैड गॉन थ्रू ऑल प्रीवियस लेक्चर्स एंड नाउ आगे से अब जो हम करेंगे आज की जो वीडियो है उनमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आगे के आने वाले लेक्चर्स में भी जब तक हम अपने न्यूमेरिकल सेशन को कंप्लीट नहीं करते करंट इलेक्ट्रिसिटी के तब तक हम अगले यूनिट पे नहीं पहुंचेंगे। तो अब हमारे न्यूमेरिकल्स का टाइम आया है, एक्सरसाइजेस का टाइम आया है, तो ये लाइव सेशन है। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करिए और अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में ये क्वेश्चंस दिख ही रहे हैं, देयर आर 5 क्वेश्चंस हियर और 5 क्वेश्चंस और हैं आज के इसी सेशन में। तो आज 10 क्वेश्चंस हम इस अपने सेशन में सॉल्व करेंगे और बहुत फटाफट सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। तो ये जो न्यूमेरिकल सेशंस हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं बेटा, ये सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हुए क्रम में है। पहले बहुत सरल सरल सिंपल क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूले से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हम थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो आ जाइए फटाफट लाइव हो जाइए, शुरू करते हैं। तो एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट करंट मस्ट फ्लो इफ 0.24 कूलम इज टू बी ट्रांसफर्ड इन 15 मिलीसेकंड। ओके, सो एज यू नो द फॉर्मूला इज फॉर करंट फॉर्मूला इज I इक्वल्स टू Q बाई टी। ओके, सो इट इज क्लियर। यहां पे हमको कूलम में चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है मिली सेकेंड में, तो बस यही चीज गलत है। टाइम मिली सेकेंड में ना, ये सेकेंड में होना चाहिए, तो इस सेकेंड को मिली सेकेंड को सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, है ना? सो मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करंट I इक्वल्स टू 0.24 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10^-3, सो दैट इज 0.24, 10^-3 ऊपर चला जाएगा, 10^3 न्यूमरेटर में, अपॉन 15, दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 15। नाउ दिस इज वेरी इजिली यू कैन सॉल्व। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा इसका सोल्यूशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन मुझे करके बताइए फटाफट। जी बिल्कुल सही, ओके, देयर इज अ 16 एम्पियर, ठीक है? तो ये हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा काफी इजीली हमें हल हो गया। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन के आंसर क्या है, 16 मिली एम्पियर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, सॉरी, 16 एम्पियर। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमसे, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोस फॉर 4 मिनट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड। तो बेटा जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमसे चार्ज पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा 4 मिनट में। तो 10 एम्पियर करंट है, दैट इज क्यू, सो क्यू इज आई टाइम्स टी। सो करंट हमारी 10 एम्पियर दी हुई है और टाइम हमको दिया हुआ है 4 मिनट, जिसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग सेकेंड्स में, यानी मल्टीप्लाइड बाई 60। सो दैट इज 10 × 4 × 60, सो दैट इज 2400 कूलम। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन, 2400 कूलम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 सेकेंड। सो करंट हमें दिया हुआ है, दैट इज I इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है, दैट इज 20 मिनट। एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट। सो हमें पता है दैट इज I इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, so that is charge equals to current by times t, current times t. So I is 0.25, ये एम्पियर में है और ये मिनट इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा, so that is 20 × 60, so that is 25 × 2 × 60, that is 15 × 60, that is
3000 coulomb. So 3000 coulomb will be the answer here. 3000 coulomb. So I hope now you are getting the questions कि ये कितने easy हैं. बहुत ज्यादा इसमें calculation नहीं है और easily इनको solve किया जा सकता है. चलिए बढ़ते हैं fourth question की तरफ. If the amount of electric charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 coulomb. Okay, the amount of electric charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 coulomb. तो हमें coulomb दिया हुआ है 300 coulomb. Okay, and time दिया हुआ है 10 minute. 10 minute. So we have to calculate the current. So I is Q by T. Again, charge दिया हुआ है 300. टाइम 10 मिनट, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए इनटू 60, सो दैट इज 3/6 यानी 1.2, दैट इज 0.5 एम्पियर. सो 0.5 एम्पियर इज द करंट इन फोर्थ क्वेश्चन. 0.5 एम्पियर, ये फोर्थ का आंसर है. चलिए यहां तक सबको समझ में आ ही रहा होगा. नाउ बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज How many electrons are flowing per second past a point in a circuit in which there is a current of 4 ampere? देखिए एक सर्किट है जिसमें पर सेकेंड में फ्लो होने वाली करंट जो है वो I की वैल्यू है, दैट इज I इक्वल्स टू 4 एम्पियर, और हमें निकालना है चार्ज की वैल्यू. ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए. यू सी 4 एम्पियर मीन्स 4 एम्पियर, इट इज सेड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड past a point in a circuit in which there is a current of 4 ampere. So current 4 ampere means if there are 4 coulomb of charge flowing in 1 second, then current will be 4 ampere. Okay, so basically hame ye nikalna hai ki 4 coulomb mein kitne electrons hote hain. So I hope that you remember our first lecture of this chapter jisme hum logon ne quantization of electronic charge ke bare mein padha tha. कि जो भी चार्ज क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में ट्रेवल करती है, दैट इज चार्ज क्यू इक्वल्स टू एन टाइम्स ई. और चार्ज की वैल्यू इस फॉर्मूले में हमें क्या दी है इस क्वेश्चन में, 4 एम्पियर के का मतलब यानी 4 कूलम चार्ज हमको दिया हुआ है. सो दैट इज 4 टाइम्स 4 कूलम इक्वल्स टू एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10^-19. So the number of electrons n equals to 4 upon 1.6 into 10^-19. That is 2.5 into 10^19. This much electrons will flow in 1 second, only then the current will be 4 एम्पियर. जब इतने इलेक्ट्रॉन्स 2.5 इंटू 10 पावर 19 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 2.5 इंटू 19 यानी 2.5 इंटू 19 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फ्लो इन अ सिंगल सेकेंड इन अ कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर, then current will be 4 ampere. So this is the meaning of quantization of charge. ये हम पहले ही first lecture में, जो सबसे first lecture था हमारा इस chapter का, उसमें ही हम लोग ये चीज discuss कर चुके थे. I hope अगर आपने नहीं देखा है तो please वो video को जाकर देख लीजिए, description में उसका link मिल जाएगा. चलिए so बढ़ते हैं अपने next section की तरफ, next set of questions की तरफ, that is question number 6 to 10. Okay. So here is question number 6, that a lamp of resistance 80 ohm draw a current of 0.75 ampere. तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के क्वेश्चन शुरू हो गए. तो फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, ओम्स लॉ का. ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, है ना. तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन ये होंगे और बड़ा इजिली से हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे. चलिए करते हैं. A lamp of resistance 80 ohm, यानी लैंप का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 80 ohm. चलिए करंट I की वैल्यू दी हुई है 0.75 एम्पियर. फाइंड द लाइन वोल्टेज. लाइन वोल्टेज निकालना है यानी उस वायर में जिस वायर के थ्रू ये करंट फ्लो हो रही है,
वोल्टेज कितना है, सो दैट इज इजिली V इक्वल्स टू आई आर, आई मीन 0.75 एंड R मीन्स 80. सो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए. चलिए देर विल बी अ 60 वोल्ट. सो 60 वोल्ट इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, 60 वोल्ट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. सो करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर. When connected to 220 volt mains, है ना, तो voltage की value दी हुई है 220 volt mains. Resistance of its filament, बड़ा simple है, resistance निकालना है, so R equals to V और I का ratio, V upon I, V any 5, sorry, V any 220, and it is 5. So it is divided by 5 4 20, then 5 4 20, okay, so 44 ohms is the value of resistance, 44 ohms. Chalye. Moving on. So what is the seventh question? Seventh question is saying, इसे थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं बेटा, इधर ऐसे रख लेते हैं ना. सेवेंथ क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ तो हो गया ना, एट्थ क्वेश्चन. What is eighth question? Eighth question is saying that how much current will an electric bulb draw from a current from a 220 volt source if the resistance of filament is 1200 ohm. Again, it is very simple. So it is given that voltage V is equals to 200 volt and resistance R equals to 1200 ohm. So current हमको निकालनी है. I equals to, so I is V over R, V is 200 upon 1200. Okay, so that is 1 by 6. So I equals to 1 by 6 ampere. बताइए इसकी डेसिमल में वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए. What is the decimal value of 1 by 6? Yes, good. So 0.16 ampere. चलिए बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ. तो आप देख ही रहे कि ये क्वेश्चन अभी हम बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड कर रहे हैं. आज हम इंपॉर्टेंटली दो फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं हमने मेनली. दैट इज एक तो Q इक्वल्स टू एन ई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. I इक्वल्स टू Q अपॉन T, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू दैट ऑफ फ्लोइंग करंट. तो आज बेसिकली इन्हीं तीन फॉर्मूले पे बेस हमने क्वेश्चंस अपने सॉल्व करे हैं. करते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन. सो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 200 वोल्ट. सो वोल्टेज 200 है, 200 वोल्ट. एंड द रेजिस्टेंस इज 100, तो रेजिस्टेंस यानी अपॉन में हो जाएगा रेजिस्टेंस 100 ओम. तो ये करंट की वैल्यू, सो दैट इज 2 एम्पियर. हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर व्हेन हॉट इज 50 ओम. चलिए तो रेजिस्टेंस जो है हीटर का वो हमें कितना दिया हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूं. आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइस हैं जो गर्म करने का काम करती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे इलेक्ट्रिक गीजर हो या इमल्शन रॉड हो, ये सभी चीजें हाई रेजिस्टेंस वायर की बनी होती हैं. इसीलिए आप अगर ध्यान से देखो तो बीच में दो तीन बार क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें किसी हीटर का जिक्र है और उसका काफी हाई वोल्टेज आपको दिया हुआ था और आपसे करंट पूछी जा रही थी या वोल्टेज पूछा जा रहा था. ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट जो है वो हाई रेजिस्टेंस वायर के कारण क्रिएट होता है. बिकॉज एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो व्हेन द रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, देन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी. चलिए, सो आज का हमारा ये फाइनल क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन है.
How much current does an electric heater draw from 220 volt line if the resistance of heater is 50 ohm? फिर से भाई 200 वोल्ट आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर की सप्लाई लाइन दी हुई है और रेजिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है, 50 ओम, 50 ओम, तो ये आपको करंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर विल बी द करंट। तो इस तरह हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा और ये 10 क्वेश्चन ही काफी ईजी थे। ध्यान रखिएगा अगले न्यूमेरिकल सेशन में इसे थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आज हमने जिन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो फॉर्मूला है पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही चार्ज ट्रांसफर होगा, चाहे रिसीव करना हो चाहे किसी को देना हो, ठीक है। दूसरा, करंट इज द बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी, एंड रेजिस्टेंस दैट इज ओम्स लॉ वी बाई आई, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हमने अपने सॉल्व कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने एक्सरसाइजेस में मौजूद इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखे थे, पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो प्लीज बिना लाइक सब्सक्राइब करें नहीं जाइएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।